हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो क्लास 11th फिजिक्स का था उसमें हमने काफ़ी टॉपिक जो हैं क्लियर कर लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। तो आज जो है हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, पलायन वेग किसे कहते हैं, फिर हम समझेंगे पलायन ऊर्जा को और हमें जो है इसके सूत्र का निगमन करना होता है, तो हम सूत्र का निगमन भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है पलायन वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग की परिभाषा है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ पर तक कार्य करता है? पृथ्वी के बाहर हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर हमारे पास क्या कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और पृथ्वी के बाहर हमारे पास पता है कि हमें क्या कार्य करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर हमें गुरुत्वीय बल का अनुभव होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। जहाँ तक भी गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कार्य करेगा तो वो कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस ना आए तो पलायन वेग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे किस तरीके से हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, पिंड है, ठीक है। ये पिंड है, ये हमारे पास क्या है, ये पहले था हमारे पास पृथ्वी के अंदर यहाँ पर था। तो हमने क्या करा, एक वेग से, वेग आपको पता है वेग हमारे पास क्या होता है, चाल और वेग में संबंध नहीं होता है ज़्यादा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, यानी एक एक समयांतराल में, ठीक है, किसी समयांतराल में किसी पिंड को विस्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, विस्थापित करना, वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो हमने क्या करा, हमने इस पिंड को पृथ्वी से क्या करा, बाहर विस्थापित कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पिंड है वो कहाँ हो गया, पृथ्वी से बाहर चले गया और ये जो है पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आया, ठीक है। तो जिस वेग से हम इस पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, जहाँ पर भी मान लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र है, वहाँ से अगर हमने उस वेग से, या फिर हम कह सकते हैं उस वेग, या फिर हम उस चाल से हमने एक समय अंतराल में उस पिंड को बाहर फेंका, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंका और वो लौटकर पिंड वापस नहीं आया, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी किसकी, पलायन वेग की। तो आप चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो अब बात आती है इसी में पलायन ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो पलायन ऊर्जा होती है पलायन वेग से किसी पिंड को, या फिर हम कह सकते हैं किसी वेग से किसी पिंड या वस्तु को जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से जो है बाहर फेंकते हैं, तो उसको जो ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी जिस वेग से आप किस चीज़ को फेंक रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई दीवार है, हम उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम उस पर बल लगा रहे हैं तो आपको पता है वो विस्थापित होगी, नहीं विस्थापित होगी, लेकिन आपने क्या करा, उस वस्तु में ऊर्जा लगाई। जब आपके पास अंदर से शक्ति, ऊर्जा का मान, ऊर्जा किसे कहते हैं, शक्ति को, या फिर कार्य, जब कार्य ऊर्जा शक्ति एक ही चीज़ें हैं बट उनके नाम अलग अलग हैं और कार्य में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक दीवार है, आपने उस पर बल लगाया, ठीक है, आपने उस पर क्या करा, बल लगाया, आप उसमें धक्का दे रहे हैं, तो अगर आप उसमें धक्का दे रहे हैं तो क्या वो विस्थापित होगी अपनी जगह से, नहीं, तो यहाँ पर से क्या कहलाता है, कार्य आपका शून्य हो जाएगा, यानी आपने ऊर्जा तो दी लेकिन कार्य क्या हुआ, शून्य, क्योंकि दीवार तो आपकी विस्थापित हुई नहीं, ठीक है। और मान लेते हैं अगर आपने कोई गेंद ली और उसको फेंका तो वो तो विस्थापित हो गई, पहले वो आपके हाथ में थी, आपके हाथ से वो दूसरे स्थान पर जाके गिरी, ठीक है, या फिर आपके आपने नीचे था, आप नीचे से ऊपर की तरफ गेंद को फेंकते हैं तो वो नीचे से क्या चले गई, ऊपर चले गई, तो वो अपनी जगह से क्या हो गई, विस्थापित हो गई, यानी आपने जितनी उसको ऊर्जा दी तो वो अपने स्थान से जो क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो यही कहलाती है ऊर्जा, यानी जिस वेग से हमने उस, जैसे हमने गेंद को फेंका था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको गेंद का एग्जाम्पल बताया, या फिर आपको दीवार का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। वेग, हमने जिस वेग से गेंद को फेंका तो हमने उसको कुछ ऊर्जा दी होगी, आपके आपने वेग तो पता है आपको, वेग क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने तक में, यानी जहां पे पहुंचेगा वो उसका, देखिए जहां से आपने स्टार्ट करा वो उसका प्रारंभिक वेग होता है, लेकिन जहां पर वो पहुंचता है वो क्या कहलाता है, अंतिम वेग कहलाता है। तो देखिए, अगर आपको पहले तो उसको फेंकने के लिए ऊर्जा चाहिए, जब आपके हाथों में ताकत होगी तभी आप या तो दीवार को खिसका सकते हैं या फिर आप गेंद को ऊपर की तरफ या आगे की तरफ फेंक सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कही है कि वेग, जिस वेग से हम किसी गेंद को या फिर पिंड को या फिर जो पिंड है, ठीक है, वो जो जिस वेग से हम उसे फेंक रहे हैं और वो पृथ्वी के क्षेत्र में जो वापस ना आए, पृथ्वी क्षेत्र में वापस ना आए, तो उसी को हम क्या कहलाती है, वही ऊर्जा हमारे पास क्या कहलाती है, पलायन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा पलायन ऊर्जा है,
ठीक है, पलायन ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं पहले किसके लिए, पलायन वेग के लिए, ठीक है, पलायन वेग को VE से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, VE से, V हमारे पास कैपिटल है, E के जो है कहाँ पर है, नीचे है, V से प्रदर्शित करते हैं, VE साथ में नहीं है, ये थोड़ा सा उसके कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि प्लान वे को किससे प्रदर्शित करते हैं, VE से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने मान लेते हैं यहाँ उस पिंड को फेंका, यहाँ तक उसका गुरुत्वीय क्षेत्र था, ठीक है, लेकिन इस गुरुत्वीय क्षेत्र से हमने बाहर फेंक दिया और ये पिंड अब यहाँ पर लौट कर नहीं आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इतना ही गया होगा। अब गाइस, आप 12th क्लास के 11th क्लास के 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट तो आपको पता नहीं है, फिजिक्स में हम किसी एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आप बात नहीं कर सकते। अगर अनंत बात हो रही है तो आप कहाँ, अनंत पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि वो बाहर चले गई, आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वो बाहर चली गई, आपको पता नहीं है कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर कहाँ पे गई है, तो वही हम मान लेते हैं कि यहाँ पर गई है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने, तो आपको पता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मानते हैं, ME, त्रिज्या कितनी मानते हैं यहाँ से इसकी दूरी, RE मानते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, M है, ठीक है। तो अब हमें इसका सूत्र का निगमन करना है, यानी सूत्र निकालना पड़ेगा हमने, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। लिखते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान ME, कैपिटल M है और स्मॉल E है, तथा त्रिज्या RE है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित M द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी कि किस तरीके से आया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात आती है गाइस, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ पर है, हमने क्या माना, गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक कार्य कर रहा है और ये पिंड यहाँ गया। अगर आप कहें कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, हम पहले लिख लेते हैं, ये क्या है, पृथ्वी, मान लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र यहीं पर कार्य कर रहा है, यानी यहाँ पर कार्य कर रहा है, और वो जो पिंड है वो इसके क्या है, तल पर है, ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, यहाँ पर से हम लिख लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हमने क्या कहा, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, अगर उसके अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र है तो बहुत तल पर तो पिंड हो सकता है ना। देखिए, अभी हमने बात क्या करी थी कि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, प्लैन वेग किसे कहते हैं, जब कोई पिंड जो है गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या निकल जाए, बाहर। तो अगर हम माने कि गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के अंदर कार्य कर रहा है, हम ये भी मान सकते हैं पृथ्वी के बाहर कार्य कर रहा है, ठीक है, कहीं जहाँ तक भी उसकी रेंज होगी, किस चीज़ की रेंज कहाँ तक की है वो आपने देखना पड़ेगा। मान लेते हैं तो ये अंदर कार्य कर रहे हैं, तो तल पर क्या हो जाएगा, जो तल है वहाँ पर वो पिंड है, तो उसी के लिए हम निकाल रहे हैं क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए, दो पिंड हैं उनके बीच क्या कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, दो पिंड हैं उनके बीच क्या करता है, आकर्षण बल, किसके नियम से, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर दोनों प्लस प्लस के या माइनस माइनस के हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और दोनों के आवेश यानी दोनों विपरीत चार्ज के हैं तो उनके बीच में क्या हमारे पास कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पिंड, एक द्रव्यमान किसका हो गया, पिंड का हो गया, और दूसरा किसका हो गया, पृथ्वी का हो गया, तो उनके बीच में क्या कार्य करेगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हमने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने उभरे के कक्षीय चाल और आगे के टॉपिक करे थे तो उनमें हमने देखे रखा है कि U इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का G MEM अपॉन RE, ठीक है, MEM, ME क्या हो जाएगा, पृथ्वी की, यानी हम यहाँ पर से ये भी लिख सकते हैं M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर से संबंध निकाला था किसके बीच में, जी तथा जी में संबंध, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में जब हमने संबंध निकाला था तो वहाँ पर से हमने क्या देखा था, यहाँ पर से आया था आपका स्मॉल जी इज इक्वल टू माइनस का जी MEM अपॉन RE, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई थी। तो देखिए, यू स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर से होगी हमारे पास, जी, या ये तो एक नियतांक हो गया, फिर हम इसको कहते हैं जी, हमारे पास क्या कहलाता है गाइस, गुरुत्वीय बल नियतांक, ठीक है।
जी को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल नियतांक, और जो स्मॉल जी होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है वो, ठीक है। अलग अलग जगह पे उसकी वैल्यू जो है, वैसे तो हम त्वरण को ए से भी दिखाते हैं, बट गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं, ठीक है। एम ई हो गया, एम ई हो गया हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या, एम हो गई दूसरे किसी पिंड, जो भी पिंड है उसकी हम त्रिज्या मान लेंगे, भले ही आपने स्मॉल एम मानी है, तो आप वहाँ पर से कैपिटल एम की जगह में स्मॉल एम रख सकते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा, आर ई, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना माना है, एम, तो यहाँ पर से हम सूत्र लगा देंगे, यू इज इक्वल टू माइनस का जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई, ठीक है। ये हो गया, देखो अनंत पर पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी, जीरो। देखो अगर आप अनंत पर हैं, ठीक है, अनंत पर किसी पिंड की ऊर्जा शून्य होती है, आपको पता ही है, ठीक है। वो वस्तु अगर अनंत पे है, हमने उसको यहाँ से तो हमने फेंका नहीं, वस्तु पहले से ये, तो ऊर्जा आपको पता होगी कि ऊर्जा तो उसमें कार्य करेगी नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे ऊर्जा देते हैं, नहीं कार्य करते हैं, तो तब ऊर्जा चाहिए होती है। अब वो अगर पिंड पहले से ही अनंत पर है, तो उसमें तो ऊर्जा कार्य करेगी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से मुक्त करने पर उसे अनंत तक भेजने में कुल ऊर्जा को अगर हम भेजते हैं, तो कार्य कितना, ऊर्जा को जीरो करना होगा, ठीक है। कार्य कितना होगा, कुल ऊर्जा, या फिर हम कह सकते हैं कार्य जो होगा कितना होगा, शून्य हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, अनंत पर पिंड की ऊर्जा, कुल ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ऊर्जा भी लिख सकते हैं, कितनी होती है, शून्य, क्योंकि हमने तो उसको वहाँ फेंका नहीं। अगर मान लेते हैं वो कण पहले से ही वहाँ पर है, उस पर कोई ऊर्जा कार्य नहीं कर रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्य कार्य नहीं हुआ। तो अब देखिए क्या आएगा, अतः पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से मुक्त करने के लिए, हमने इसको गुरुत्व से बाहर निकाल रहा है, मुक्त करना है, अनंत तक भेजने के लिए जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या कह रहा है, होगी शून्य होगी। क्यों, क्योंकि हमने कहाँ भेजा, अनंत भेजा, गुरुत्वीय क्षेत्र जब जहाँ पर है वहाँ पे गुरुत्वीय ऊर्जा कार्य करेगी, ठीक है। अगर वहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र ही नहीं है, तो गुरुत्वीय ऊर्जा भी कार्य नहीं करेगी, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर से आती है कि अतः पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से मुक्त करने के लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र से मुक्त करने के लिए, ठीक है, उसके जहां पर से उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, हमने उसको वहां से क्या निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे अनंत पर भेजते हैं, ठीक है। बाहर निकालने के लिए उसे अनंत तक भेजने में कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, शून्य होगी, ठीक है, शून्य होगी। तो देखिए अतः कुल ऊर्जा, अब हम क्या निकालेंगे, अतः कुल ऊर्जा क्यों निकाल रहे हैं हम कुल ऊर्जा, क्योंकि देखिए सबसे पहले बात आती है स्थितिज ऊर्जा। हमने क्या करा, दो कण हैं तो उनके मध्य हमने क्या निकाल दी, स्थितिज ऊर्जा निकाल दी, ठीक है। अगर हमने जब यहाँ पर से स्थितिज ऊर्जा निकाली, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा हमने निकाली, तो कहाँ से निकाली, कार्य जो हमारे पास कार्य होता है ना, किसी दो पिंडों के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा हमने निकाली थी किस, इससे पहले वाले टॉपिक में, कि माइनस का जी एम ई अपॉन आर ई हो जाता है। तो हमने अगर कुल ऊर्जा निकालनी है, तो कुल ऊर्जा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले आएगा स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी क्या आएगी, गतिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि हमने जितनी उस पर क्या लगाई है, गति लगाई है, ठीक है, यानी जितनी उसमें गति, यानी जिस गति से हम उसको फेंक रहे हैं, तो वो गति किस में आएगी, ऊर्जा में आएगी वो भी, ठीक है। तो कुल ऊर्जा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों, क्योंकि गति तो लग, जब आप उसमें गति नहीं कराएंगे तो ऊर्जा कहाँ से लगेगी, तो हमने उसमें गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो एक तो हमारे पास जो कार्य था वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, नहीं कार्य का दूसरा रूप हो गई स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और जो हमने उस पर गति लगाई वो क्या कहलाई हमारे पास, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो कुल ऊर्जा तो यहाँ पर से हम पता, हमने अनंत पे भेजना है, तो अनंत पे फेंका तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य, कुल ऊर्जा जीरो आ जाएगी। और जो हमारे पास क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमने पता है, गतिज ऊर्जा हमने जब देखा इससे पहले वाले टॉपिक, तो स्थिर ऊर्जा तो माइनस के रूप में आ जाती है, और गतिज ऊर्जा जो हो जाती है प्लस में आती है, जी एम ई एम अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर से, आर ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अतः पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा, हमें इसको हमने बाहर ले लिया, ये माइनस को हमने यहाँ प्लस के साथ ले लिया,
तो स्थिर ऊर्जा बराबर क्या आ गई, गतिज ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जाएं क्या है, बराबर है, तो वो क्या कहलाएगी, पलायन ऊर्जा। नहीं, दोनों एक ही गति, देखिए एक ही ऊर्जा है दोनों, तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पलायनी। जिस गति से हम फेंक रहे हैं, देखिए हमें चाहिए ऊर्जा, टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए ऊर्जा, हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा हमें, हमने निकाली स्थिर ऊर्जा और एक हमने निकाली गतिज ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा तो हमारे पास शून्य आ गई, तो हमने क्या करा, ये जो माइनस वाली हमारे पास स्थिर ऊर्जा थी, हमने इधर साइड भेज दी, तो ये प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पर से गतिज ऊर्जा, दोनों तो दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। तो देखिए दोनों अगर बराबर हो गई तो हमें पता है, तो कुल ऊर्जा यानी स्थिर ऊर्जा बराबर क्या हो गई हमारे पास, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो कुल हमारे पास ऊर्जा कितनी निकल गई, दोनों एक दूसरे के बराबर, यानी कुल ऊर्जा यानी स्थिर ऊर्जा बराबर क्या आ गई, गतिज ऊर्जा। आई होप गाइज आपको एक टॉपिक जो है क्लियर हो रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमारे पास पलायन ऊर्जा कितनी मिली, जी एम ई एम अपॉन कितनी मिली, आर ई, ठीक है। माना इस ऊर्जा को, यानी ये जो हमारे पास पलायन ऊर्जा निकली, पिंड को दिया गया पलायन वेग वी ई है, ठीक है। वेग कितना दिया इस ऊर्जा, यानी पलायन ऊर्जा, तो हमें पता है कितनी निकली, ये निकली। और जो हमें, हम कहते हैं कि हम पता है कि पलायन वेग को हम किससे दिखा देते हैं, हम पलायन वेग को किससे दिखाते हैं, वी ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है, पिंड को दिया गया पलायन वेग, इस ऊर्जा के लिए जो वेग, ये जो ऊर्जा है वेग, यानी जो वेग होता है, इस ऊर्जा से जो वेग दिया जाता है, यानी वेग कार्य करता है, उससे हम किससे दिखा देते हैं, वी ई से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं कि माना ऊर्जा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना ऊर्जा के, ठीक है, ऊर्जा के लिए पिंड को दिया गया पलायन वेग, ठीक है, दिया गया पलायन वेग वी ई है, वेग वी ई है, क्यों, क्योंकि हमने जो पता है कि पलायन वेग को हम किसे दिखाते हैं, वी ई से। अगर हमारे पास ऊर्जा ये कार्य कर रही है, तो हमें वेग भी पता होना चाहिए कि वेग क्या हो जाता है, वेग इज इक्वल टू कितना जाएगा, वी ई, ठीक है। तो अतः हम निकाल देते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाती है हमारे पास, पहले हम सूत्र लिख ले रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर से निकालेंगे हाफ, दो जो हमारे पास गतिज ऊर्जा होगी किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा, यानी जो हमारे पास इसका, इस देखिए देखिए आपको बात समझ में आई, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो हमारे पास है, यानी ये मान लेते हैं गतिज ऊर्जा हमारे पास किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के, क्योंकि हमने यहाँ पर से अगर स्थितिज ऊर्जा को इधर साइड भेज देते हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या, गतिज ऊर्जा। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अभी हमने इससे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, कि अगर हम स्थिर ऊर्जा को जीरो के साथ भेज देते हैं, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस की है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, ठीक है, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो वही चीज़ यहाँ पर से है, तो गतिज ऊर्जा हमें इतनी दे रखी है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से निकला गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर से गतिज ऊर्जा इतनी है, तो ये बराबर कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा उधर जाके किसकी हो जाएगी, जी एम ई एम अपॉन आर ई हो गया, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से हमें जो वी है, सबसे पहले बात आती है वी की, जहाँ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ वी इज इक्वल टू किसके है, वी ई के है, ठीक है। जहाँ वी इज इक्वल टू किसके है, वी के है, वी ई के है, क्यों, क्योंकि वी ई क्या है, प्लान वेग है, ठीक है। प्लान वेग को हम किससे दिखा देते हैं, वी ई से दिखा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर से हो जाएगी, हाफ वी ई स्क्वायर, यहाँ से निकला, यहाँ कितना बता, तो यहाँ पर से हमारा बच गया जी एम ई, ठीक है, अपॉन कितना बचा, आर ई। तो ऐसा करते हैं, इस टू को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पर से बचा वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, टू जी एम ई अपॉन में कितना आ गया, आर ई आया। वी ई है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर से रूट लगा दे रहे हैं, दोनों के लिए रूट आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी दोनों के लिए रूट है, तो बड़ा रूट लगा देते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर से क्या आ गया हमारे पास, रूट आ गया, ठीक है। तो जी तथा जी में संबंध क्या हो जाता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन क्या हो जाता है, आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो जी एम ई की जगह में हम कितना लिख देंगे, जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से टू था, ठीक है, टू यहाँ पर था, तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा हमारे पास, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, आर ई आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, इसके बाद हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर से अगर हम देखें, इसके एक पावर से नीचे का जो है आर ई कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों आर ई हैं। तो यहाँ पर से आपको क्या मिल गई, वी इज इक्वल टू हमारे पास मिला जी आर ई,
तो वी ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर से टू था तो यहाँ पर से टू, और यहाँ पर से जी है तो यहाँ पर से जी, तो यहाँ पर से कितना मिला, वी इज इक्वल टू टू जी आर ई। तो यही हमने क्या निकाल दिया, पलायन वेग। क्या निकाल दिया, पलायन वेग इज इक्वल टू वी ई इज इक्वल टू प्लान वेग, वी इज इक्वल टू रूट में टू जी आर ई। ठीक है, तो ये कैसे आया एक बार मैं और समझा देती हूँ। तो देखिए कैसे आया, आपको पता है, मैं एक बार जो है अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखिए कुल ऊर्जा हमें चाहिए थी तो जीरो थी, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा हो गई, तो स्थितिज ऊर्जा माइनस की थी, हमने इसको जीरो के साइड भेज दिया, यानी अपने स्थान से वो यहाँ आ गई तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमको पता है प्लैन ऊर्जा को हम किससे दिखा देते हैं, वी ई से दिखा देते हैं। ओके, तो ये गतिज ऊर्जा मैंने आपको क्या बताया, या तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर से गतिज ऊर्जा बराबर क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा थी, तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू रख दी। तो फिर हमने क्या करा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, जहाँ वी वी इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, वी ई। क्यों, क्योंकि वी ई क्या था, पलायन वेग था, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की जगह में कितना आ जाएगा, वी ई स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पलायन वेग को हम वी ई से दिखा देते हैं। उसके बाद कितना मिला, जी एम ई अपॉन आर ई मिला। ठीक है, तो देखिए तो ये हमने क्या करा, ये रखा हमने टू को यहाँ भेज दिया, टू जी एम ई अपॉन आर ई हो जाएगा, स्क्वायर था तो रूट लग जाएगा। उसके बाद देखिए जी एम ई बराबर कितना हो जाता है, जी आर ई, कहाँ से, जी तथा जी में संबंध से हमने देखा, या फिर उपग्रह की कक्षीय चाल के फॉर्मेट से हमने देखा था। वहाँ पर अगर आप देखें उपग्रही कक्षीय चाल वाला टॉपिक, तो उसमें भी हमारे पास ये वैल्यू आई थी कि जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, या फिर आप इस टॉपिक को बड़ कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध जो है वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर से जी एम ई की जगह में कितना आ गया, जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो जी आर ई स्क्वायर जाता है तो हमें जी आर ई स्क्वायर, टू का टू रहेगा, तो आर ई से आर ई की पावर एक कैंसिल हो गई, तो वैल्यू कितनी मिली, वी इज इक्वल टू रूट में टू जी आर ई। तो यही हमारे पास क्या निकल गया, पलायन वेग हमने निकालना था, तो पलायन वेग का हमारे पास फॉर्मूला निकल गया। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑल डाउट क्लियर के साथ मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो एंड टेक केयर एंड गाइज बाय बाय।